मुख्यमंत्री उद्यम स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को सरकार देने वाली है 1-1 लाख रुपए सीधे बैंक अकाउंट में। आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और ख़ास जानकारी देने वाले हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना न भूलें। युवाओं के लिए सरकार शुरू करने जा रही है उद्यम और स्वरोजगार योजना। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम और स्वरोजगार योजना शुरू की जा रही है, जो एक महत्वाकांक्षी और लाभकारी पहल है। यह योजना विशेष रूप से पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए बनाई गई है, ताकि युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हो सके, वे स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें, समाज में एक सकारात्मक योगदान कर सकें। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता और ब्याज अनुदान युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करेगी और उनके व्यवसाय को सफलतापूर्वक स्थापित करने में मदद करेगी। प्रत्येक लाभार्थी को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि उद्यम की शुरुआत के लिए आवश्यक पूंजी के रूप में उपयोग की जा सकती है। उद्योग लगाने की योजना में शामिल युवाओं को बैंक के माध्यम से कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे उद्योग के संचालन विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। लाभार्थी को राज्य सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसका अर्थ है जो ऋण लिया जाएगा उस पर 3% कम ब्याज दर लागू होगी। ठीक है, यानी कि 3% ब्याज लगेगा जिससे ऋण की लागत कम होगी। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, इस वर्ष के विभागीय बजट में इस योजना के लिए विशेष प्रावधान लिया गया है, इसके जिससे इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके, अधिक से अधिक युवाओं को इसका लाभ मिल सके। यह योजना है मध्य प्रदेश सरकार की और उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यह योजना बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी और ये अपडेट जस्ट आज ही आई हुई है। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी।